नमस्कार प्रियजनों, आप देख रहे हैं सूर्य पाठशाला। आपसी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बी एच ओ पी जी 2024 स्पॉट और मॉपअप राउंड काउंसलिंग का कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दिया। मैं उसका टर्म एंड कंडीशन भी बताया, वैकेंट सीट भी दिखाया, और जिन लोगों को वैकेंट सीट नहीं मिल रही है, डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम चैनल उसे ज्वाइन कर लो, वहाँ पर मैं वो PDF शेयर कर दे रहा हूँ। और बहुत सारे बच्चे जो हैं वो काउंसलिंग वाला भी लगातार इंक्वायरी कर रहे हैं। जैसे आज तो आप आज जिन बच्चों ने भी अभी स्लॉट बुक किया है तो 3 बजे रात तक आपको रिप्लाई जाएगा, फिर सुबह 8 बजे फिर से एक्टिव हो जाएगा। मतलब अभी आप पूरा 12 बजे 1 बजे तक स्लॉट बुक करा सकते हो, क्योंकि पैनिक सिचुएशन है, बहुत सारे लोगों के डाउट्स हैं। तो हम लोग भी कोशिश कर लेंगे, दो लोग बैठ के जब तक पॉसिबल है, अप्रॉक्स 3 बजे तक पॉसिबल है, तो आपको रिप्लाई जरूर जाएगा। और अभी वीडियो में जब मैंने आपको समझाया कि क्या कैसे फॉर्म भरना है, कितनी वैकेंट सीट है, कौन भरेगा कौन नहीं भरेगा, अगर आपको ये नहीं पता है ना, तो एक वीडियो डिस्क्रिप्शन में उसे चेक कर लो, जिसमें पूरा मॉपअप राउंड की टर्म एंड कंडीशन बताए गए हैं, लेकिन उसमें डेट नहीं था। तो ये वीडियो बेसिकली डेट बताने के लिए मैं बना रहा हूँ, क्योंकि उस ऑफिशियल नोटिस में भी ना मॉपअप राउंड की स्टार्टिंग डेट नहीं है, ना ही एंडिंग डेट है कि रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कब होगा और एंड कब होगा। तो फिर मैंने पता लगाया कि अरे भाई, उसमें तो मेंशन ही नहीं है डेट। तो मुझे एक डेट मिला जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, वो है 1st अगस्त, यानी कि आने वाला पहला दिन कल का। आप 1 अगस्त से इस फॉर्म को भर पाओगे। लेकिन आप अगर मेरी वीडियो कई सालों से देखते आ रहे हो, तो मैं हमेशा बोलता हूँ, कोई भी जब फॉर्म आता है तब एकदम से मत कूद पड़ो, आराम से सबका नंबर आएगा, वही है ना, सबके लेवल निकलेंगे। तो भाई आप आराम से इंतजार करना, जब 6-7 घंटे बीत जाए तब आप फॉर्म भरना, जिससे कि वो जो सॉरी जिससे कि जो फॉर्म है ना वो ठीक से ओपन होने लगे। अब यूजी का फॉर्म स्टार्ट हुआ, तब ये जो यूजी काउंसलिंग, अब आज पूरा दिन भर बंद था, ठीक से पोर्टल ही नहीं काम कर रहा है, प्रेफरेंस नहीं दिखाई देगा, तो फलाना टिमकाना प्रॉब्लम हो जाएगी। और ये फॉर्म हर कोई नहीं भरेगा यार, ये फॉर्म में अपनी सीट पहले देखो कि आपकी सीट कितनी है कोर्स वाइज, और उस सीट में आप जाना चाहते हो कि नहीं, पेड की सीट है, रेगुलर है, आपके लिए फेवरेबल है कि नहीं, ठीक है। जैसे जनरल का जो सीट है वो बस जनरल के लिए कंसिडर किया जाएगा, लेकिन जो ST ST की सीट है वो बच्चा पूरा ऊपर तक जा सकता है, यानी SC वाली सीट, OBC वाली सीट, EWS वाली सीट, जनरल वाली सीट, तो पूरा सीट काउंट करेगा। तो ये पूरा प्रोसेस है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज आप लोग काउंसलिंग वाला पे कॉन्टेक्ट करना, ₹50 सब्सक्रिप्शन, उसमें कंप्लीट जो भी डाउट्स होंगे वो क्लियर किए जाएंगे। तो मुस्कुराते रहिए, बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। कल पैनिक मत हो जाना कि सर सुबह सुबह उठे और फॉर्म नहीं आया, फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा, हो सकता है लेट सवेर भी हो, लेकिन कल की डेट बेसिकली आ रही है कि कल से फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा, कोई एंडिंग डेट नहीं दी जा रही है। तो मैं मान के चल रहा हूँ कम से कम 2 दिन तो मिलेगा ही, बाकी 3 से 4 दिन भी मिल सकता है, तो एटलीस्ट 48 आवर्स तो आराम से मिलेगा, 6 घंटे इंतजार करने के बाद फॉर्म भरने लगना। सेम प्रोसीजर है वही जो BHO में स्टार्टिंग में फॉर्म भरे थे, उसी प्रोसीजर के थ्रू फॉर्म भराएगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज एवरीवन डू लाइक, डू शेयर, सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो। हर हर महादेव। कॉन्टैक्ट फॉर एनी डाउट्स काउंसलिंग वाला, नंबर गिवन इन डिस्क्रिप्शन।